हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन स्टडी। मेरा नाम है संभव जैन और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डाटा इंटरप्रिटेशन जेके बैंक के लिए। तो कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि अभी तक वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं और उसके बाद ही वो शुरू करेंगे पढ़ना। तो मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। अगर पोस्ट आपके पास ज़्यादा आई हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लीनियंट हो जाएंगे, आपको प्रॉपरली पढ़ाई करनी पड़ेगी। एंड सिंस आप जानते हैं हमने पूरा सिलेबस अब शुरू कर दिया हुआ है, तो जो बच्चे अभी तक वेट ही कर रहे हैं वो आप तैयार हो जाएं और सिलेबस अपना शुरू कर दें, ठीक है। ये हमारा फेसबुक का पेज है, आप यहाँ जाके हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये इंस्टाग्राम का है और यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुँच सकें, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो ये फेसबुक के जो ग्रुप्स है यहाँ पर आप जा सकते हैं, ये क्लोज ग्रुप है एक, ठीक है। यहाँ पर जा सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेरी, कुछ भी है। हम पाँचों टीचर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो ये लेक्चर बेस्ड है डाटा इंटरप्रिटेशन के पाई चार्ट पर। आप जानते हैं मैं आपको पाई चार्ट अभी कवर करवा रहा हूँ, मैंने दो लेक्चर्स करवा दिए हैं, तीसरा लेक्चर है। इसमें हम थोड़ा सा एडवांस पाई चार्ट देखेंगे। अभी मैं बेसिक्स ही करवा रहा हूँ ताकि बच्चे जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, जो बिगनर लेवल पे हैं, वो भी समझ पाएँ मेरी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। डीआई शुरू करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट हम सीखेंगे। हमें अगर क्वेश्चन में दिया है 5% को डिवाइड करो 8% से, तो हम इसको कैसे करते हैं। 5/100, ठीक है, इंटू 100/8 इज इक्वल टू 5/8, ठीक है। क्यों, 100 और 100 कैंसिल हो जाता। अब आप में से काफ़ी लोगों को ये कंसेप्ट पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या होता है कि 5/100 हमें दिया हुआ है। क्यों 5/100 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये परसेंटेज की वैल्यू है, तो 100 आ गया नीचे। अब 8% है, 8% को क्या करेंगे हम, अपॉन में लेके जाएंगे, 8/100 लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 5/100। ये जो 8/100 ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, 100/8, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, 5/8। ये कंसेप्ट आगे क्वेश्चंस में काम आएगा, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वॉट परसेंट ऑफ कैंडिडेट्स पास द एग्जाम फ्रॉम टी इंस्टीट्यूट आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एनरोल फ्रॉम सेम, ठीक है। अब ये दो पाई चार्ट दिए हैं, इसमें बात कर रहा है एनरोल्ड कि कितने बच्चों ने एनरोल किया एग्जाम के लिए, और इसमें बात कर रहा है कि कितने बच्चों ने एग्जाम पास किए है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने बच्चों ने पास किया है टी में से। अब ये टी है तो 9% बच्चे पास कर रहे हैं एग्जाम आउट ऑफ टोटल जिन्होंने पास किया है, वो है 5700, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 5700। हमने परसेंटेज निकालना है, जब भी परसेंटेज निकालना है तो मैंने आपको बताया था इनटू करना है 100 के साथ। अच्छा, अब नीचे क्या रखना है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो सेम इंस्टीट्यूट से एनरोल कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि टी से कितने 8% एनरोल कर रहे हैं, कितने टोटल कितने 8550, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 9/8 इंटू 5700 अपॉन 8550, ठीक है, इंटू 100। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे हिसाब से 9 से कटेगा, 9 9 81 45 95, ठीक है। अब ये 19 से कटता है, 3 जा ये 5 जा, ठीक है, ये आया ऊपर 30। अब यहाँ से इसे मैंने काटा, ये आया 6, तो ये आया 6/8 इंटू 100, यानी कि 3/4 इंटू 100। इसको मैंने कैंसिल किया है 25 3 से कितना है 75%, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स पास द एग्जाम फ्रॉम इंस्टीट्यूट बी आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एनरोल फ्रॉम सेम, ठीक है। एक बिल्कुल क्वेश्चन 1 की तरह ही है, जो मैंने क्वेश्चन 1 करवाया था बिल्कुल उसकी तरह ही है। अब आपने इसके आंसर नीचे कमेंट करना है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे इसने बोला है जो बच्चे टी से पास हो रहे हैं अपॉन जो टी से एनरोल हो रहे हैं इंटू 100, ठीक है, वही है जैसे पीछे हमने किया था। ये करके आपने मुझे इसका आंसर बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 3 है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट SNP टुगेदर, ठीक है, पास की बात कर रहा है, हम जानते हैं पास का ये DI है, टुगेदर एक्सीड्स द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एनरोल, और एनरोल का ये DI है। एक्सीड्स का मतलब क्या होता है कि ये वाली चीज़ कितनी बड़ी है, ठीक है। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पे ये कह रहा है S और P की, तो S में कितने 16% बच्चे पास हुए हैं और P में कितने पास हुए हैं 18% बच्चे पास हुए, ठीक है। ऑफ कितने टोटल कितने बच्चे पास हुए मेरे पास 5700,
माइनस, ठीक है, हमने देखना है कि ये कितना ज़्यादा है, तो मैं माइनस करूँगा क्या जितने बच्चे यहाँ पे टी और आर में एनरोल हुए हैं। टी में कितने इनरोल हुए हैं 8% और आर में कितने इनरोल हुए हैं 10%। टोटल कितने इनरोल हुए थे 85, 8550, ठीक है 8550, ये कितना हो गया 34%, 16+18 हो गया 34%। चलिए परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कर ही देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं सीधा 5700 माइनस ये हो जाएगा 18/100 इंटू 8550, ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 34 × 57 माइनस 10 और 10 ये कैंसिल हुआ, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया 17, इससे मैंने कट कर दिया, ये आ गया 171, तो 9 × 171, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये तो हो जाएगा 9 × 1 = 9 और 79 से ये कितना हो जाएगा 153 सीधा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 34 × 57, 7 × 4 = 8, 2 कैरी, 7 × 3 = 21, 238, ठीक है, और ये 34 × 5 हो जाएगा सीधा 170, ठीक है 170, 8 × 3 = 9 ये, ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरे पास 1938, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 और ये 8 में से 5 गए 3, तो आंसर क्या आ गया 399। नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको रिक्वेस्ट करता हूँ यार, बेसिकली मेरा ना माइक्रोफोन ख़राब हो चुका है तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आपको फील हो रही होगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि नया माइक्रोफोन ला पाऊँ। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स पास्ड टू द कैंडिडेट्स एनरोल्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूशन QNR, ठीक है, QNR की बात हो रही है, ठीक है, और परसेंटेज पूछा है तो इसका मतलब ये है कि इंटू 100 करना है, ठीक है, इतना तो मुझे क्लियर हो गया कि इंटू 100 करना है, क्यों, क्योंकि मुझे परसेंटेज पूछा है। अब QNR की बात करता हूँ तो पास QNR से कितने हो रहे हैं 17+13, दैट इज 30% ऑफ 5770, सॉरी 5700, ठीक है, क्योंकि 5700 ही टोटल पास बच्चे थे, ठीक है, हमने ध्यान रखना है, ऊपर बोला उसने पास्ट और एनरोल नीचे, एनरोल कितने हैं QNR से, Q से हैं 15% और R से हैं 10%, दैट इज 25% ऑफ 8550, ठीक है 8550, क्योंकि एनरोल टोटल 8550 बच्चों ने किया है। अब हम सिंपल कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 19 के टेबल में आता है, 19 × 3 = 57 होता है तो ये 0 आ गया, और 19 × 4 = 76 तो 95 5 = 5, ठीक है। अब 5 की टेबल में 5 6 = 6 और ये 5 5 = 5, ठीक है 15 2 = 2 होता है, 15 3 = 3 होता है, ठीक है। अब इससे ये कटा ये 2, तो ये आया 4/5 × 100, ये कटा इससे 20 = 20, ये कितना आ गया 80%, तो इसका आंसर कितना है 80%। नेक्स्ट तो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैंडिडेट्स पास्ड टू कैंडिडेट्स एनरोल्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट पी, ठीक है, पी की बात करते हैं, पास कैंडिडेट्स पी से कितने आएंगे 18% ऑफ 5700, ठीक है, और एनरोल पूछा है, एनरोल पी से कितने कर रहे हैं 22% ऑफ 8550, ठीक है, तो सिंपल है, रेशो पूछा है, परसेंटेज नहीं पूछा तो इंटू 100 नहीं करेंगे, ये 0 और ये 0 कैंसिल होगा, 19 3 = 19 4 = 45, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 11, ठीक है 2 से काटा मैंने, तो ये हो जाएगा 2 से और ये हो जाएगा 3 से, 15 2 = 15 3 = 3, तो 9 2 = क्या आ गया 18 और 11 3 = 33, तो आंसर क्या आ गया 18:33, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस वीडियो से इतना ही, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगे, एबल की DIB करेंगे एंड देन हम मॉक टेस्ट लगाएंगे इकट्ठे, ताकि आपको पूरा एनालिसिस मिल पाए कि क्वेश्चन पेपर हमने कैसे सॉल्व करना है। आई होप आप जानते हैं कि हमने खुद नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स निकाले हैं, हम 500 टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं, हमने खुद ही एग्ज़ाम्स दिए हैं, हम जानते हैं कि कितना प्रेशर होता है एग्ज़ाम के अंदर। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी बच्चे हैं प्रॉपरली ट्रेन हो जाएं, प्रॉपरली आपको सब चीज़ें आएँ, प्रॉपरली आपको पता होना चाहिए कि हमने पहले कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। मैं पूरा आपको स्ट्रैटेजी बताऊँगा कि पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। दिक्कत कहाँ पड़ती है कि बच्चों को आता तो बहुत कुछ होता है, लेकिन पेपर किस सीक्वेंस में अटैम्प्ट करना है ये नहीं पता होता, और ख़ासकर मैथ्स में,
मैथ्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरे को पहला क्वेश्चन कौन सा पकड़ना है और लास्ट क्वेश्चन कौन सा पकड़ना है। पूरी एक स्ट्रैटेजी होती है, तभी ये पेपर निकलते हैं। तो हम सब आपको बताएंगे, सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।